ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमीरपुर शहर में लगाई जा रही एलईडी लाइटों का कई जगह दिन में जलते रहने और रात को बंद रहने की शिकायतों पर नगर परिषद बैठक में मुद्दा गरमाया है। बैठक में शिकायत पहुंचने पर एलईडी लगाने वाली कंपनी के प्रतिनिधि को तलब करने पर पार्षदों की भी तीखी नोकझोंक हुई। हमीरपुर शहर में लगाई जा रही एलईडी लाइटों का कई जगह दिन में जलते रहने और रात को बंद रहने की शिकायतों पर नगर परिषद बैठक में मुद्दा गरमाया। बैठक में शिकायत पहुंचने पर एलईडी लगाने वाली कंपनी के प्रतिनिधि को तलब करने पर पार्षदों की भी तीखी नोकझोंक हुई। नगर परिषद हमीरपुर की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता नगर परिषद अध्यक्षा सुलोचना देवी ने की। इस अवसर पर नगर परिषद उपाध्यक्ष दीप बजाज, ईओ केएल ठाकुर के अलावा पार्षद मौजूद रहे। बैठक में शहर में होने वाले कामों को लेकर चर्चा की गई और आगामी रूपरेखा तैयार की गई। जितनी लाइट्स अभी खराब थी पेंडिंग स्टॉक्स में पड़ी, स्टॉक में पड़ी थी। जब हमारे पास मटेरियल नहीं था तो हमने वो यूटिलाइज कर लिया आपके पोल्स पे। 254 लाइट आपने लगाई, 46 लाइट हमारा दोस्त 46 लाइट हमारी बस्ती 300 आए वो 46 पेंडिंग था हमारा। ठीक नहीं, 46 का बनाने दिया था 46 शिकायत करने वाले व्यक्ति ने बताया कि कई बार ईओ हमीरपुर दूरभाष पर एलईडी लाइटों के रात के समय में नहीं जगने की सूचना दी है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि दिन के समय देर शाम तक एलईडी लाइटें जगी रहती हैं, लेकिन रात को गुल हो जाती हैं। एक दो बार फोन भी किया इनको, अपने ईओ साहब को, स्ट्रीट लाइटें का इनका जो टाइमर है वो बिल्कुल ख़राब है। रात को जो है 7:30 बजे जो है वो ऑन होती है, सुबह 9, 10, 10, 11, 11 बजे तक जो है ऑन रहती है। तो इसके बारे में मैंने ईओ साहब को फ़ोन भी किया, उन्होंने बोला जी भी नहीं जी, मैं हम ठेकेदार से बात करेंगे, ऐसा है ऐसा है। इससे क्या होगा कि इनका बिल ही ज़्यादा बढ़ेगा, बिजली ज़्यादा कंज्यूम होगी, लॉस गवर्नमेंट को होगा। इस पर कंपनी के प्रतिनिधि अभिमन्यु ने कहा कि शिकायत आने के बाद लाइटों को चेक किया गया है और बिजली विभाग के द्वारा तकनीकी खामी के चलते एलईडी लाइटों में दिक्कतें पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में बिजली विभाग सहयोग नहीं करने से परेशानी आ रही है। उन्होंने कहा कि इस बारे में बिजली विभाग के सहयोग न करने से परेशानी आ रही है और न ही नगर परिषद सहयोग दे रहा है, जिससे समस्या बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे जितना भी स्ट्रीट लाइट का जो काम है वो हम ही देख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो आज उसी के बारे में मीटिंग थी यूएलबी में, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, तो उसमें हमने बहुत कुछ मतलब डिस्कशन की है कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पे। लाइटें कुछ दिन में भी जल रही हैं और रात को ऑफ रह रही हैं। वो इस वजह से रह रही हैं कि लाइन टच हो जा रहा है, जो कि बिजली वालों का फॉल्ट है। तो बिजली वाले वो चीज़ समझ नहीं रहे, ना ही ये यूएलबी वाले समझ रहे हैं ये चीज़। बेसिकली क्या है, कम्युनिकेशन क्या आता है, हम इन्हें बताते हैं, इनका काम है कि ये बिजली डिपार्टमेंट को बताए कि आपका प्रॉब्लम ये है, आप ये ठीक करो। बस ये वाली दिक्कत है यहाँ पे, इसके अलावा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। बस ये कम्युनिकेशन गैप जो कम हो जाए तो उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाए। इस बारे में नगर परिषद के ईओ केएल ठाकुर ने बताया कि शहर में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को रिपेयर करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि कई लाइटें दिन में ही जली रहती हैं, इस बारे में भी बिजली विभाग और संबंधित कंपनी को अवगत करवाया गया है ताकि समस्या का समाधान हो सके। जो शहर में जो स्ट्रीट लाइट है, जहाँ कहीं भी खराब पड़ी हुई है या पुलों के ऊपर लाइटें नहीं लगाई हैं, वो जो ये कंपनी है इनके जो कर्मचारी हैं इनको निर्देश दिए गए हैं कि इसको तुरंत ठीक करें। दिन में अभी हाल ही में मेरे नोटिस में आया है कि कुछ एक लाइटें कई स्थानों पर दिन में जली रहती हैं, तो मैंने ये छानबीन करवाई है और पता लगा कि इसमें कुछ स्पेसर वगैरह डाले जाने ज़रूरी हैं। तो ये हम बिजली विभाग से अनुरोध करेंगे कि यहाँ स्पेसर डाले जाएँ ताकि ये लाइटें दिन में ना जलें।